बांग्लादेश से बंगाल की बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला है। कोलकाता कांड में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग ममता बनर्जी स्वयं कर रही है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश की गृह मंत्री भी हैं और वहां की चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री भी ममता बनर्जी ही हैं। कई दिनों से विपक्ष उन पर यह आरोप लगा रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार आरोपियों को बचाने की सुरक्षा की कोशिश कर रही है और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने पुलिस से ठीक से कार्रवाई नहीं की। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को समर्पित कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था। लेकिन अब ममता बनर्जी का ये बड़ी रैली जहां कई हजार महिलाएं ममता बनर्जी के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरी हैं और वहां पर जो बैनर्स बंगाली में लिखे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, और अभी मंच पर इन्हीं महिलाओं के साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई ये दर्शाने के लिए कि वो प्रदेश की महिलाओं के साथ है। आपको बताना चाहेंगे कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए 31 वर्षीय उस महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के कांड के बाद वहाँ प्रदेश भर ही नहीं पर देश भर से आलोचना ममता बनर्जी की सरकार की हुई है और ये मांग की गई है कि महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और उन आरोपियों को बचाने पर भी काफी इल्जाम लगा है, खासकर इस बात पर कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को 5000 से ज़्यादा लोगों की एक भीड़, उपद्रवी भीड़ वहाँ आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचती है, प्रदर्शन करने वाले महिलाओं को, डॉक्टर्स को, सबको मारती है, वहाँ के प्रदर्शन एरिया को तोड़ती है, उसको ध्वस्त करती है, इमरजेंसी रूम में तहस नहस मचाती है और उसके बाद महिला हॉस्टल में भी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। इस पर भी भारी आलोचना झेलनी पड़ी है ममता बनर्जी को। वहीं कोलकाता रेप और हत्या केस में बीजेपी ने आज कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। विरोध में बीजेपी नेता रूपा गांगुली भी शामिल थी। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। तो जहां एक तरफ सुबह में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होता है, जहां नोकझोंक होती है, पुलिस के साथ झड़प होती है और बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोका जाता है, उन्हें डिटेन किया जाता है, वहीं दोपहर बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी स्वयं पदयात्रा पर निकलती हैं और वो भी बड़े महिला समुदाय के साथ, समूह के साथ, और इन आरोपियों के फांसी की मांग करती है। बीजेपी का ये आरोप है, प्रदेश की गृहमंत्री आप हैं, पुलिस आपके अधीन है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई है, आरोपियों को सुरक्षा देने की बात हो रही है कि एक ही आरोपी को रोका पकड़ा गया और उस आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने FIR तक दर्ज नहीं कराई, ये भी आरोप है। कई सारे प्रश्न जो कोर्ट ने भी उठाए। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां बीजेपी का कोलकाता में हल्ला बोल और फिर कई सारे कार्यकर्ताओं का जबरन डिटेंशन। आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया, पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। किसने तैयार किया? मुख्यमंत्री का पदत्याग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग। स्वास्थ्य मंत्री है, उसका बाध्यता होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। अब वहीं कोलकाता से ही जुड़ी एक और खबर, इसी बंगाल रेप और हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राज्य मशीनरी, राज्य की पूर्ण विफलता है, वे अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे, हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम उसे शिफ्ट कर देंगे। कोर्ट ने यहां तक कहा कि मामले में देरी मत कीजिए, आप हलफनामा मंगाएंगे, रिपोर्ट देंगे, जवाब देंगे, जवाब का जवाब देंगे और तब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। बड़े तीखे स्वर और तीखे बोल कलकत्ता हाईकोर्ट के, और ऐसे दिन ममता बनर्जी रैली निकाल रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रदेश की गृह मंत्री हैं, वही ममता बनर्जी हैं, पुलिस भी उनके अधीन है, ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज भी उनके अंडर आती हैं, इसीलिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रही हैं।
वहीं कोलकाता घटना के बाद केंद्र सरकार का बड़ा कदम, मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी, ये भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6 घंटे में FIR करानी होगी, संस्थानों को 6 घंटे में FIR दर्ज कराने का निर्देश भी अब दे दिया गया है कि आगे से अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर जो वहाँ के हेड हैं, सुपरवाइजर हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि आप इमीडिएटली FIR दर्ज कराएं। बहुत बड़ा कदम ये आया है केंद्र सरकार की तरफ से, सीधा डायरेक्टिव आया है। एक आरोप ये लगाया जा रहा था कि इस RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने FIR दर्ज नहीं कराई जब घटना घटी। अब डॉक्टरों की हड़ताल का IMA ने पूरा समर्थन दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि अस्पतालों में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में IMA के सेक्रेटरी जनरल अनिल कुमार जे नायक हैं। सर, IMA की तरफ से क्या रुख रहेगा, और क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर लगातार पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन भी चल रहा है, तो आप लोगों का क्या रुख होने वाला है? आप जानते हैं कि 9 तारीख की सुबह जो घटना हुई उसके बाद हमने स्टेटमेंट दिया, हमने उसका अपोज किया, कंडेम किया। बाद में हमने यहाँ भी मीटिंग बुलाई और सबने बोला कि वहाँ मुलाकात लो, तो हमने कलकत्ता जाके मुलाकात भी ली। बच्चे शांति से उनका विरोध कर रहे थे, उनकी दो ही मांग थी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, दूसरी कोई मांग नहीं है। ये निर्भया जैसा ही केस है, ये वक्त डॉक्टर नहीं है, हमारे सबकी बेटी है, तो उसको बचाने के लिए जो बैठे थे उन पे एक मॉब आके 3,000 लोगों का पूरा उनका वेंडल साफ कर देता है, पूरा इमरजेंसी रूम तोड़ देता है, सभी हॉस्पिटल के सभी कमरों में जाके तोड़ फोड़ करता है, तो पानी हमारे नाक से ऊपर हो गया। तो हमने